दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। आज मेरे साथ हैं हमारे बहुत ही खास बॉब फिलिप और साथ में बहुत ही टैलेंटेड सिंगर प्रदीप। जी हाँ, आइए उनके साथ एक मुलाकात करवाता हूँ स्टार टॉक में। प्रदीप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते गौरव जी, थैंक यू सो मच। एंड बॉब जी, हमेशा की तरह आपका तो स्पेशल स्वागत। थैंक यू वेरी मच बॉब जी, आप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं स्पेशली हमारे यंग टैलेंट्स के लिए, कितना प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप और आपकी फुल टीम। एंड हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच। एंड अगर हम बात करें सुरताज की, एंड आपने बहुत ही उम्दा तरीके से गाया। एंड एक चीज बताए जी, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी कैटेगरी क्या है सिंगिंग, जैसे आप को देखते हो ऐसा बहुत सीरियस सिंगर लगते हैं, तो आप किस में ज्यादा पसंद कर रहे हैं गाना? मैं ज्यादातर रोमांटिक सैड रोमांटिक गाता हूं, लेकिन अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता किसी जॉनर में। सो एवरी टाइप ऑफ सिंगिंग यू कैन डू दैट जी। सो लेकिन अगर मैं आपने रोमांटिक गाने की बात की, तो अभी हम एक रोमांटिक गाना हो गया। हां जी जरूर। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे, रास ना आया रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा है उसको मुकम्मल कर भी आओ, वो जो दबी सी आह बाकी है, वो जो दबी सी आह बाकी है। क्या बात, क्या बात। अगर आपको बोला जाए कि आपने कैसे बोला कि मैं रोमांटिक सिंगिंग के अलावा भी काफी सारी सिंगिंग करता हूँ, पर आपको बोला जाए कुछ यार तड़कता भड़कता गाना बजाए, तो तड़कता भड़कता सूफी में तड़कता भड़कता कुछ सुना दूँ फिर घूम फिर के सूफी में पहुंचे। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वरगा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वरगा, फूल सा है खिला अज दिन, रब मेरे दिन काल दे मुझे, मुझे ख्वाब में मिले रब मुझे कर रहे तेरो दिल दा वास्ता रब मेरे दिन, सारा जहां छोड़ छाड़ के तेरे सपने सवार दे तेनू दिल दा वास्ता, हो अज दिन चढ़िया तेरे रंग वरगा। अगर सूफी को बोले थोड़ा साइड पे रखे तो भंगड़ा पॉप हो जाए। भंगड़ा पॉप, भंगड़ा पॉप के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं इतना उस तरह वो नहीं। हाँ, तो जब आप सारी कैटेगरी बोलते तो हम आपको फंसा देंगे। अगर लेकिन एक चीज बताओ कि यू सिंग वेरी वेल इन सूफी, एंड सो अगर आप एक पकड़ पकड़ना चाहते हैं तो पकड़े, कोई इसमें कोई ये नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ये पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सुर के साथ संगम होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपका सुर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि आपकी कैटेगरीज कौन सी है, किधर को जाना है, लेकिन यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर मैं बात करूं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की, हाँ जी, ये क्या चीज आने वाली है जी? तो अभी हमें सूत्रों के हिसाब से पता लगा है कि बहुत ही कुछ खास एक्साइटमेंट आ रहा है और इससे काफी मेहनत हो रही है। मैं एक चीज बताऊं, हमारे टीम में स्टेफनी है, शी इज डूइंग वेरी वेल एंड शी इज डूइंग वीडियोग्राफी फॉर नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम। एंड तो मुझे सूत्रों से यही पता लगा है कि कुछ पक रहा है। हाँ जी, तो ये कवर है एक्चुअली, और स्टेफनी जी शूट कर रही करने किया है उन्होंने, और बहुत उम्दा कॉन्सेप्ट है, जब आएगा आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें स्वताज की और एक जो कंटेस्टेंट है निवेदना, उन्होंने भी साथ गाया हुआ है, तो बेसिकली डुएट है, तो ये जब आएगा
दोस्तों हमने आपके सामने सीक्रेट खोल दिया है, तो इस सीक्रेट को आप बने रहे जानिए, और कितना समय लगेगा सीक्रेट को खुलने में उसकी पेशेंस के साथ वेट कीजिए। एंड तो कौन सा ये सीक्रेट है आपका, तो हम उसको सीक्रेट ही रहने देंगे, ठीक है, खोलेंगे बहुत जल्दी आपके सामने। तो अगर हम बात करते हैं सुरताज की और अपने शो की, जॉन साहब बहुत ही उमदा 15 मई को हुआ था एंड आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गाया था। अगर मैं आपसे पूछूं दो चीजें, एक सबसे ज्यादा उसमें नेगेटिव क्या था और सेकेंडली उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या था? नेगेटिव बोलूंगा कुछ नहीं था, क्योंकि आई थिंक ऑल द वे पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही था अपने मेरे लिए। एक तो टॉप 12 में आना बहुत बड़ी बात थी एंड देन परफॉर्म करना इतने लोगों के सामने वो और भी एंड आप लोग थे, आप लोगों ने बहुत मदद की, हम लोगों को सपोर्ट किया, बहुत चेयर किया, क्राउड इतना अच्छा था, कंटेस्टेंट्स का अपने बीच में इतना कॉमरेडरी इतना अच्छा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, मतलब किसी में कोई जेलेसी फैक्टर नहीं, कुछ सब एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक नेगेटिविटी की कोई बात नहीं थी और एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, यस। बट एज अ कंटेस्टेंट ऑब्वियसली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख की बात है कि आई शुड हैव एक्चुअली बीन पार्ट ऑफ 6 कंटेस्टेंट, तो मुझे और अच्छा लगता है, बट इट्स ओके नेक्स्ट टाइम। एंड सबसे पॉजिटिव बात क्या थी? पॉजिटिव बात आई थिंक द क्राउड, उन्होंने जितना प्रेज किया मेरे गाने को, आई थिंक उससे बड़ी बात कुछ है नहीं मेरे लिए एज अ सिंगर। दैट्स ग्रेट। अगर मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइजर्स के लिए क्या मैसेज होगा आपका कि नेक्स्ट टाइम ये किया जाए और ये ना किया जाए और कुछ भी, ऑर्गेनाइजर वाले साथ ही बैठे हुए इसीलिए सामने ही धोएंगे। आई थिंक वो बहुत एक्सपीरियंस है, 3 साल से कर रहे हैं, 3 साल से सर्टाच कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दे नो बेटर क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो आप कहना चाहते हैं, तो दिस इज राइट टाइम टू टेल योर एक्सपीरियंसेस, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, वी विल सी कि कई बार आपके एक्सपीरियंसेस आप अपने लेवल से देख रहे होते हैं, कई बार दूसरे लेवल पे, तो दोनों तरफ से देखना भी बहुत जरूरी है। तो वी जस्ट वॉन्ट इफ यू हैव समथिंग इन द माइंड कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो और अच्छा हो, तो फॉर द पॉजिटिविटी से वी वॉन्ट कि इफ यू हैव एनी फीडबैक तो प्लीज शेयर विद ऑल द टीम मेंबर्स। तो व्हाई नॉट, साज बैंड बहुत बिजी बैंड है, हम अच्छी तरह जानते हैं उनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक फिर भी ऑर्गेनाइजर्स ने दो हमारे लिए रिहर्सल्स करवाए थे, आई थिंक थोड़े बहुत और रिहर्सल्स हो पाए अगर कंटेस्टेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा, आई थिंक वो थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा और अच्छे से हो पाए, तो वो एक जो उनके बीच में जो तालमेल है बहुत अच्छे से हो पाए और कंटेस्टेंट और अच्छे से अपने को प्रेजेंट कर। सो दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यस यस यस, यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिस साज बैंड। अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा समय और आपको निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप ऑर्गेनाइजर से चार्ज ज्यादा करें, 2-3-4 प्रैक्टिस के, नो इश्यूज, बट थोड़ा सा इस चीज के साथ और प्रैक्टिस के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज स्टेज के ऊपर काफी लोग लाइव देखते हैं, काफी लोग जुड़े रहते हैं। अगर आपको मैं ये बोलूं सिंगिंग की लाइन के अंदर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, इतने साल आपने काफी सारे शोज किए हैं, कोई ऐसा खट्टा मीठा एक्सपीरियंस जब भगवान को आपने बोला हो, भगवान आज बचा ले, आज का शो निकाल ले, आज कुछ ना कुछ कर दे, कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है? सुरताज क्योंकि वो ये इस तरह का कंपटीशन लेवल का एक मेरे लिए पहला कंपटीशन था एक्चुअली, तो उस हिसाब से भगवान को तो हम हमेशा ही कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, बट आई थिंक सुरताज आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं अच्छे से परफॉर्म करूँ। आई थिंक फर्स्ट आना, सेकेंड आना, थर्ड आना, सिक्स में आना, तो लोगों के ऊपर और जजेस के ऊपर था, बट मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो इतना बस। जब कंटेस्टेंट्स की बात करते हैं तो सभी लोग इंक्लूडिंग प्रदीप, प्रदीप हैज अ वेरी यूनिक वॉइस, ओके, तो सूफी सिंगर, हाँ सूफी सिंगर, और एक यूनिक, पूरे 12 जो कंटेस्टेंट्स थे फाइनल्स में, ही गॉट अ वेरी यूनिक, यू गॉट अ वेरी यूनिक वॉइस, यू हैव ब्लेस्ड वॉइस, यू नो, व्हिच यू कैन टैग फर्दर, एंड देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम जॉइनिंग स्वर्ताज कॉम्पिटिशन नेक्स्ट ईयर। डायमंड ऑलवेज
is the polish and cut. Yes, yes. Are there? So and polish and shine. Polish and cut. 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 It was very unique क्योंकि कोविड के टाइम पे through the कोविड टाइम you हाँ lot of people are saying talk with my hand okay आप लोग साथ में थे बहुत अच्छा and friends world TV friends world TV तो हमेशा ही आपका friends है चाहे आप अच्छा गाएं या ना गाएं लेकिन सुर में गाएं definitely नहीं we just want कि जो आप कर रहे हैं आप बहुत ही उम्दा बहुत ही बढ़िया और that is all the teamwork लेकिन कैसे सुर आपने बताया कि कितने भी बैंड वाले हैं जैसे वो बजा रहे थे और उनके साथ मिला के आप गा रहे थे बिल्कुल भी बहुत सास बैंड वेरी वेल या एब्सोल्युटली सास बैंड इज वन ऑफ द बेस्ट एनीवेज इन सिडनी तो उनका कुछ कोई वो तालमेल वो प्रॉब्लम ही मुझे ये लगा कि इस बार ना पूरी टीम चाहे हम साउंड की बात करें चाहे लाइटिंग की बात करें चाहे जजेस की बात करें चाहे ऑडियंस की बात करें चाहे सिंगर्स की बात करें and everyone done a great teamwork everyone done a great job I just feel ki not even a single second mistake we done it har ek show mein ek kahani zarur hoti hai kuch na kuch backstage pe hua kuch na kuch bahar hua kisi ko ladai ki kisi ko utha ke mara ha ek hua tha mujhe yaad hai wo is dafe yes is dafe hua tha इस दफे हुआ था कोई मोबाइल से वीडियो कर रहा था तो वो जजेस के आके खड़ा हुआ अच्छा एंड तो वो जजेस के बेटे से पूछ रहा हूँ हाँ वो हुआ था बिकॉज ही जस्ट वेरी एंग्री विद दैट बट दे आर वेरी कूल आफ्टर दैट उनको मालूम नहीं था इनोसेंट पे करके बट थिंग्स हैपन बट दिस इज नॉट द मेजर थिंग बट नथिंग हैपन सीरियसली इट गोज वेरी वेरी वेल We again congrats to all the Thank organizers. Thank you so much, Bollyvision team. I am just a face of Bollyvision team. So thank you very much, Pradeep. Thank you, Bollyvision. Thank you, Bollyvision. Thank you, Pradeep, for doing us such a good efforts. जो आप सिंगिंग के अंदर अपना पूरा का पूरा लाइफ को झोंक रहे हैं, चीजें डाल रहे हैं. एक चीज मैं आपको जरूर बोलूँगा, प्रदीप, you are very young. तो थोड़ा थोड़ा ना हंसते भी रहना चाहिए देखो सूफी सिंगिंग इज सिंगिंग रोमांटिक सिंगिंग विद लव इज सिंगिंग व्हेन यू एंजॉय बट आई जस्ट फील ऑन यू स्पेशली स्माइल के साथ गाओगे ना तो आप दुनिया को जीत पाओगे करते हुए आप सीरियस हो जाओगे कुछ सीरियस लोग आपकी सिंगिंग के पास तो आएंगे लेकिन आपकी सिंगिंग में एक और गुड़ पड़ जाएगा और चीजें पड़ जाएंगी तो वी जस्ट वांट वी ऑलवेज वांट टू सिंग सिंगिंग से पहले क्या एंड वी वांट टू कंग्रेचुलेट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग सॉन्ग जो कवर सॉन्ग किया उसका नाम बताना चाहेंगे वो भी सीक्रेट है वो भी सीक्रेट है सॉरी तो मैं मेरा नाम प्रदीप ब्योरा के नाम से यूट्यूब है और सेम नाम से इंस्टाग्राम भी है और सेम नाम से फेसबुक भी है तो दोस्तों सब्सक्राइब करो प्रदीप को एंड इंस्टाग्राम के ऊपर भी यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी और शेयर करें कमेंट करें मैं आगे भी बोलता हूँ अब भी बोलता हूँ अगर आपको टैलेंट की कदर है टैलेंट के साथ प्यार करते हो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का टैलेंट आगे जाए बिकॉज कैनेडा इंग्लैंड ये सारी पांचवी जनरेशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट जनरेशन जो आई है अभी तो आपको यही रिक्वेस्ट है अगर टैलेंट को चाहते हैं कि उनको आगे लेके जाना कि आने वाले टाइम के अंदर आपके बच्चे गाएंगे आपके बच्चे के कोई ना कोई टीचर बनेंगे तो वो टीचर्स कौन होंगे जो खुद इस चीजों को सीरियस लेके अपने आप के फर्स्ट स्टेप लेके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं तो वो लोगों से सीखने का मौका मिलेगा लेकिन एट प्रेजेंट मैं हमेशा एक चीज जरूर बोलता हूँ कि शेयर करने के और लाइक करने के पैसे नहीं लगते एंड प्लीज सपोर्ट कीजिए शेयर कीजिए नया जो टैलेंट आ रहा है नया टैलेंट को सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है और प्रदीप जी हम तो शेयर करेंगे और सबको रिक्वेस्ट भी किया शेयर करने की एंड आप अपना सीक्रेट जब खोलेंगे तो हम इसी प्लेटफॉर्म पे खोलेंगे और वी विल लव टू लॉन्च योर प्रोजेक्ट एनी टाइम मैंने मेरी फिलॉसफी है एंड डेफिनेटली ये मेरी फिलॉसफी है मैंने बनाई है ठीक है सो कैसे बोलते हैं कि ए ए ए यू नो व्हाट इज ए ए ए आप सुनो
दोस्तों इसी के साथ मेरे साथ है हमारे अपकमिंग टैलेंट सीक्रेट छुपा के अभी तक रखे हुए सीक्रेट आपके साथ बहुत जल्दी खोलने वाले हैं और आई वांट टू थैंक यू हमारे कैमरा टीम खुशी का स्टेफनी का जो कैमरे के पीछे हैं वी वांट टू थैंक यू फॉर देम एज वेल एंड बहुत बहुत शुक्रिया वी वांट टू से थैंक यू टू अंकुर एंड चिराग जो हमसे अभी पीछे और इनके भी और पीछे से काम कर रहे हैं एंड वी वांट टू थैंक यू टू आवर टीम ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एवरीबडी डन अ वेरी वेरी हार्ड वर्क सो यू कैन सी एंड फील विद अ स्माइल एंड कैसे बॉब भाई तो उस दिन भी बहुत बहुत खुश थे छाए हुए थे और हमेशा ही छाए रहते हैं क्योंकि ये हमारे दिल में छाके रहते हैं थैंक यू एंड इसी के साथ प्रदीप जी बेस्ट विशेस वी विल लव टू हियर फ्रॉम योर सीक्रेट थैंक यू वेरी सून थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू नमस्कार